एक महान कंपनी महान टीमों द्वारा बनाई जाती है। लोग एक कंपनी को महान बनाते हैं। एक संगठन जो अपने कर्मचारियों की भलाई में लगातार निवेश करता है, वास्तव में उनकी जरूरतों का ख्याल रखता है और अपने काम के माध्यम से काम को पूरा करने की भावना देता है। ऐसी एक कंपनी है मेट्रोपोलिस, जिसकी शुरुआत एक गैरेज से हुई थी और आज मेट्रोपोलिस 4500 सदस्यों के साथ मजबूत और खुशहाल परिवार है। इसका श्रेय जाता है उसकी निदेशक आमिरा शाह को, जिन्होंने अपने पिता की एक छोटी सी लेबोरेटरी को मेट्रोपोलिस हेल्थकेयर लिमिटेड में बदल दिया। आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे आमिरा शाह के बारे में, लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं। आज हम आपको बताएंगे एशिया की एक ऐसी भारतीय महिला के बारे में जिन्हें पावर बिजनेस वुमेन 2015 के लिस्ट में शामिल किया गया है। इनका नाम आमिरा शाह है। आमिरा शाह मेट्रोपोलिस हेल्थकेयर लिमिटेड की प्रमोटर और प्रबंध निदेशक हैं, जो कि भारत और अफ्रीका में रोगी सेवा केंद्रों के एक बड़े नेटवर्क के साथ पैथोलॉजी लैब की एक प्रमुख श्रृंखला है। मिस शाह ने मेट्रोपोलिस को अपनी एक पैथोलॉजी को दुनिया भर में 137 डायग्नोस्टिक सेंटर्स और 1000 कलेक्शन सेंटर्स की बहुराष्ट्रीय श्रृंखला तक पहुंचा दिया। मेट्रोपोलिस सालाना 15 मिलियन से अधिक परीक्षण करता है, 10,000 से अधिक लैब्स, अस्पतालों, नर्सिंग होम और 2,00,000 सलाहकारों को पूरा करता है। मिस शाह ने ऑस्टिन में टेक्सास विश्वविद्यालय में वित्त में डिग्री प्राप्त की और हार्वर्ड बिजनेस स्कूल में प्रतिष्ठित मालिक राष्ट्रपति प्रबंधन कार्यक्रम भी पूरा किया। अमीरा के पिता डॉक्टर सुशील शाह जब 1980 में मेडिकल कॉलेज से ग्रेजुएशन करने के बाद देश की मौजूदा स्वास्थ्य सेवाओं को देखा तो उन्होंने तय किया कि वो देश की स्वास्थ्य सेवाओं को सही करने के लिए कुछ करेंगे और फिर डॉक्टर सुशील शाह लैब के नाम से एक पैथोलॉजी लेबोरेटरी की शुरुआत की। रिसोर्सेज और पैसों की कमी के कारण उन्होंने अपने गैरेज से ही काम शुरू किया और रसोई घर को ही क्लिनिक के तौर पर इस्तेमाल किया। वो पहले ऐसे डॉक्टर थे जिन्होंने स्वास्थ्य जगत में लैब तकनीक का इस्तेमाल किया। अमीरा न्यूयॉर्क में गोल्डमैन सैक्स के साथ काम करती थी। कुछ सालों तक काम करने के बाद अमीरा साल 2001 में भारत लौटी। हालांकि उस समय में देश के अंदर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की कमी थी। दक्षिण मुंबई में 1500 वर्ग फीट में ये लैब टेम्पररी बेसिस पर चल रही थी। हालांकि इस इलाके में एकलौती लेबोरेटरी थी जो कि लोगों के बीच विश्वास पैदा कर चुकी थी। डॉक्टर शाह चाहते थे कि पूरे भारत में वो अपनी लैब की एक चेन बनाए, पर इस सपने को पूरा कैसे करें ये उन्हें समझ नहीं आ रहा था। अमीरा ने पिता के इस सपने को पूरा करने का बीड़ा उठाया। मिस शाह एक फेमस इंडस्ट्री स्पोक्स पर्सन है और उन्हें विभिन्न राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मंचों, बिजनेस कार्यक्रमों और सम्मेलन में एक स्पीकर के रूप में चित्रित किया गया है। वो IIM अहमदाबाद, हार्वर्ड बिजनेस स्कूल, टेडेक्स, CII और ऐसे कई प्रतिष्ठित संस्थानों द्वारा आयोजित फेमस कार्यक्रमों में मुख्य स्पोक्स पर्सन रही हैं। वो IAPL की सचिव भी चुनी गई हैं और केंद्र में नीतिगण निर्णय लेने वाले फिकी हेल्थ सर्विसेज वेस्टर्न सब ग्रुप की चेयरपर्सन है। मिस्टर शाह कई प्रतिष्ठित कंपनियों के बोर्ड में एक स्वतंत्र निदेशक हैं और वो कई शैक्षणिक संस्थानों के सलाहकार भी हैं। एक अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्र पुरस्कार विजेता, इन्हें 2006 में GE द्वारा द यंग एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर अवार्ड और 2011 में CMO एशिया अवार्ड्स में द यंग अचीवर ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया था। एंटरप्रेन्योर इंडिया और ब्लूमबर्ग द्वारा 2011 में आयोजित यंग एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर अवार्ड, उन्हें विश्व महिला नेतृत्व और कांग्रेस पुरस्कार 2014 में अनुकरणीय महिला नेतृत्व पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उन्हें इकोनॉमिक टाइम्स और स्पेंसर स्टुअर्ट द्वारा 40 साल से कम उम्र में सबसे सम्मानित नेताओं में से एक के रूप में चुना गया था। हाल ही में फोर्ब्स एशिया ने मेट्रोपोलिस हेल्थकेयर के उदय और डायग्नोस्टिक्स उद्योग में एक महत्वपूर्ण बदलाव लाने के लिए शाह को एशिया की सबसे शक्तिशाली महिला 2015 में किया। वो विश्व स्तर पर प्रशंसित सूची में शामिल होने वाली केवल 12 भारतीय महिलाओं में से एक हैं। मिस शाह को 2015 में प्रतिष्ठित विश्व आर्थिक मंच द्वारा लाई गई प्रशंसित यंग ग्लोबल लीडर सूची में भी शामिल किया गया है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और मोटिवेशनल स्टोरीज के लिए हमारे चैनल से जुड़ें। आपके बिजनेस का सच्चा साथी।